कनाडा के बाद अब यूएसए के साथ भी इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में डाउनफॉल आ गया। मोदी जो खालिस्तान के सिख लीडर की असैसिनेशन की कॉन्स्पिरेंसी का भांडा फूटने पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पर चढ़ दौड़े थे, लेकिन यूएसए के सामने उसकी एक भी न चली। हिंदुत्व के एजेंडे को प्रमोट करने वाले मोदी का गुरूर उस वक्त खाक में मिल गया जब यूएसए अथॉरिटीज ने अपने कंट्री में एक सिख लीडर को मरवाने की इंडियन कॉन्स्पिरेंसी को एक्सपोज किया। इस कॉन्स्पिरेंसी के सामने आने और इंडिया के मुलविस होने के बाद से यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप इंतहाई क्रिटिकल हो गए। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सिख लीडर को मरवाने की साजिश के खिलाफ प्रोटेस्ट के तौर पर इंडियन रिपब्लिक डे की सेरेमनी में शिरकत के लिए जनवरी 2024 में शेड्यूल इंडिया के विजिट को पोस्टपोन कर दिया। इस इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के बाद नरेंद्र मोदी जो मीडिया को इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन अब एक्टिंग करते हुए यूएसए से बिगड़ते रिलेशंस की वजह से फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू में बताने पर मजबूर हुए कि अगर किसी इंडियन शहरी ने अच्छा या बुरा किया है तो वो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए रेडी है। मोदी की एक एक्सेप्टेंस इस बात का रियल प्रूफ है कि सिख लीडर हरदीप सिंह नजर को इंडिया ने ही कनाडा की सरजमीन पर मरवाया। बाइडेन के नई दिल्ली आने से इनकार पर मोदी सरकार को क्वाड ग्रुप का इजलास भी पोस्टपोन करना पड़ा, जबकि यूएसए के रिलीजियस फ्रीडम वॉचडॉग ने इंडिया को डेंजरस कंट्रीज की लिस्ट में शामिल करने की डिमांड की। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज के दरमियान टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर और डिफेंस एग्रीमेंट पर डेवलपमेंट स्लो हो गई। केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले अफराद के मुताबिक इनका टारगेट एक अमरीकी और कैनेडियन सिटीजन को जान से मरवाने का था जो सिख सेपरेस्ट ग्रुप सिख फॉर जस्टिस के जनरल लॉयर हैं। इंडिया ने 2020 में गुरपतवंत सिंह पन्नू को अमन दुश्मन करार दिया था। मोदी की रीसेंट स्टेटमेंट इस बात का प्रूफ है कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर अमन दुश्मनी को बढ़ा रहा है। कनाडा में एक सिख लीडर को मरवाना, जबकि अमेरिका में मरवाने की कॉन्फ्रेंसी और दीगर ममालिक में भी इसी किस्म की कार्रवाइयों में यकीनी तौर पर इंडिया मुलव्वस हो सकता है।